हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, का स्वागत है मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम टेक्निकल ब्लॉग्स। और दोस्तों मैं हूँ दबका दोस्त आकाश। दोस्तों ये मेरे संदेह धमाका का सीरीज की पहली वीडियो आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एंड्रॉइड का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो आप होता तो आपके फ़ोन में लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि एक आम यूज़र को उसके बारे में नहीं पता होता है। और जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे मैं उन लोगों को बताऊंगा जो ऐसा फीचर जो बहुत ही यूज़फुल है लेकिन आम यूज़र को नहीं पता होता है, इसलिए कोई यूज़ नहीं करता है उन फीचर्स को। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैंने दिया है एक चैलेंज, और ये चैलेंज आप लोगों को दिया है मैंने, और इस चैलेंज में आपको इस वीडियो पर 100 व्यूज करके दिखाने हैं, अगर आप कर सकते हो तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं। दोस्तों आप दोस्त मान लीजिए आप किसी फ्लाइट में जा रहे हो तो आपको फ्लाइट में अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखना पड़ता है, या फिर आपको कोई फ़ोन कर करके मिस कॉल करके परेशान कर रहा है तो ऐसे में आप अपने फ़ोन को रखते हो फ्लाइट मोड पर। लेकिन आप ऐसे में आप जानते ही होंगे कि आप ब्लूटूथ का हॉटस्पॉट वाईफाई का यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका फ़ोन होता है फ्लाइट मोड पर। लेकिन क्या आपको पता है आप उसके बावजूद भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें मैं बताऊँगा आपको किस तरह से आप फ्लाइट मोड ऑन होने के बावजूद भी अपने फ़ोन में इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे एंड्रॉइड फ़ोन की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगाना होगा। चलिए इसको फ्लाइट मोड पर लगाते हैं। मैंने इसको फ्लाइट मोड पर लगा दिया है। अब आपको आपके फ़ोन का डायलर खोलना है। यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना है। जैसे ही आपके नंबर टाइप कर दो आपके सामने एक सेटिंग की स्क्रीन आएगी। इस पर आपको फ़ोन इन्फॉर्मेशन पर जाना है। देखिए यहाँ पर आपको टर्न रेशियो नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल ये टर्न ऑफ है, मैं इसको टर्न ऑन कर रहा हूँ। और जैसे ये टर्न ऑन हो जाएगा वैसे हम यहाँ ऊपर यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए। और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल डाटा कनेक्शन का, यहाँ पर टच कीजिए बस आपका डाटा अनेबल हो जाएगा। देखिए डाटा अनेबल हो गया है, मैं आपको ब्राउजिंग करके दिखाता हूँ। चलिए खोलते हैं यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर में मैं आपको यूट्यूब खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यूट्यूब खुल रहा है जबकि फ़ोन फ्लाइट मोड पर है, यानी कि ये ट्रिक काम करती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या करना है। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। तो बाकी के जो दो फीचर्स हैं वो भी बहुत कूल हैं, और जो कि दो विडजेट फीचर्स हैं, आपको अपने विडजेट खोलना है और यहाँ पर आपको गूगल साउंड सर्च नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये फीचर गूगल सर्वाइव करता है, तो आपके फ़ोन में गूगल तो होता ही है ऑफकोर्स, हर किसी के फ़ोन में होता है। तो आप जैसे ही इस एप्लीकेशन खोलते हो आपके आसपास अगर कोई म्यूज़िक चल रहा है तो उस म्यूज़िक का नाम ये बता देगा, उस म्यूज़िक का नाम, उस म्यूज़िक को किसने गाया है और बाकी सारी उसकी डिटेल्स। और जो दूसरा फीचर है वो भी विजिट फीचर है, जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप कैमरा नाम से। आप व्हाट्सएप कैमरा को जैसे ही बाहर लेकर आते हो और जब आप इसको ओपन कर दो तो ये कैमरा खोल देता है आपके सामने, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली भेज सकते हो फोटोज़ किसी को भी व्हाट्सएप पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो 100 व्यूज़ का टारगेट पूरा करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, और कमेंट में भी जरूर दीजिएगा कि आपका रिव्यू क्या है इस वीडियो को देखकर आप क्या, और कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपका रिव्यू क्या है इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे।